Assalam-o-Alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दू जुबान में सीख रहे हैं. Dear students, जो जो वक्त गुजरता जा रहा है हम आगे की तरफ निकलते जा रहे हैं. आज हम जो चीज करने जा रहे हैं वो क्या है, layers. Basically layer जो आपके पास एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप मल्टीपल शेप्स अपने पास रख सकते हो, यानी मल्टीपल चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो. मैनेजमेंट सिस्टम का नाम एक लेयर है, आप इसको मैनेजमेंट सिस्टम कह सकते हैं. जब आप कई कंपनीज के अंदर काम करने जाते हो वहां पर पूरे लेयर्स के सेट्स होते हैं. हर एक लाइन के लिए उन्होंने अलग लेयर्स बनाई होती है. रूफ के लिए आपको अलग लेयर्स लेनी है, विंडोज के लिए अलग लेयर्स लेनी है, फ्लोर के लिए अलग लेनी है, छत के लिए आपको अलग लेनी है, दीवारों के लिए अलग लेनी है, डोर्स अलग लेयर्स में बनाने हैं. हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप अलग लेयर्स के अंदर बनाना पड़ता है. अब ये जो लेयर्स होती हैं कैसे बनाई जाती हैं या इनके क्या फायदे हैं वो आज हम देखते हैं इस लेसन के अंदर. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना लेसन. अब मैं अपने AutoCAD को ओपन कर देता हूँ. AutoCAD की डबल क्लिक करें तो आपका AutoCAD ओपन हो जाएगा. स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा AutoCAD ओपन होकर आ चुका है. अब यहाँ पे हमारे पास जो लेयर्स है वो चीज क्या है बेसिकली. डियर स्टूडेंट्स, लेयर हमारे पास ये है, इसको कहा जाता है लेयर बार, लेयर प्रॉपर्टी. ठीक है, आप इसको दाएं से बाएं भी मूव कर सकते हो. अगर ये आपके पास यहाँ पे नहीं है, किसी टूल बार के बराबर राइट क्लिक करें तो यहाँ से देखें लेयर्स आपके पास आ जाएगी. लेयर्स के ऊपर क्लिक कर दें और इसको उठाकर एडजस्टमेंट बना लें तो आपके पास ये लेयर्स होती है. बाय डिफॉल्ट जब हम AutoCAD को ओपन करते हैं हमारे पास जो प्रोग्राम के अंदर लेयर्स एक मौजूद होती है, और वो जो लेयर होती है जीरो के नेम से होती है, उसका नाम जीरो होगा. इस लेयर का कलर जो होता है ये आपके पास यही रहता है. अब इस लेयर्स के अंदर मुख्तलिफ चीजें चेंज की जाती हैं. इसके अंदर आप कलर चेंज कर सकते हो, इसके अंदर आप लाइन की विड्थ चेंज कर सकते हो, लाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो, लाइन को लॉक कर सकते हो, लाइन का प्रिंट निकाल सकते हो, यानी कि उसका प्रिंट निकालना चाह रहे हो नहीं निकालना चाह रहे हो ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं. और इस तरह से आप इसके अंदर चीजों को कंट्रोल करते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं लेयर कैसे बनाई जाती है, कैसे काम किया जाता है. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं कुछ सर्कल ड्रॉ करता हूँ. एक पॉइंट दिया, दूसरा पॉइंट दें और इसके अंदर मैं एक और सर्कल बना देता हूँ. अब ये क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास लेयर वन है, यानी कि लेयर जीरो है जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर दी गई है. अब अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके पास ये वो लेयर्स नजर आ रही है. अब लेयर की जो शॉर्टकट है वो आपके पास है, एल ए. एल ए एंटर करने से आपका लेयर एक्टिव हो जाता है, आपकी लेयर्स ओपन हो जाती है. मैंने एल ए एंटर किया तो मेरे पास मेरी लेयर्स ओपन होकर आ चुकी हैं. लेकिन हम इसको कैसे क्लिक करते हैं, हम इसको यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं मैनेज करने के लिए. मैंने इसको यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये क्लियर निकल कर आ चुकी है. आप देखें यहाँ पे हमारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीरो ही है. तो मैं अगर कोई और लेयर ड्रॉ करना चाहूँ, कोई और लेयर बनाना चाहूँ, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और मैं जस्ट इधर न्यू पे क्लिक कर देता हूँ. अब जैसे मैंने डियर स्टूडेंट्स न्यू पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये मुझसे नाम पूछ रहे, कहते हैं लेयर वन. बाय डिफॉल्ट इसका नाम रियल लेयर वन है. अगर आप इसका कोई डिफरेंट नाम देना चाहते हैं, यानी कि इसको देता हूँ एक्सपी अकेडमी, आप इसको कोई भी इधर नाम दे सकते हो. मैंने इसको एक्सपी अकेडमी का नाम दे दिया. देन आपके पास कलर्स की ऑप्शंस आती हैं. एक्सपी अकेडमी के लिए आप कौन सा कलर यूज करना चाहोगे, तो इसे कहता हूँ मुझे ब्लू कलर चाहिए होगा. ओके कर दें. इसके बाद इसमें लाइन की टाइप्स आ जाती हैं, लाइन की विड्थ आ जाती है, प्लॉट स्टाइल आ जाता है, प्रिंट की ऑप्शन आ जाती है. क्लिक करें, प्रिंट आपके पास डिसेबल हो चुका है. प्रिंट करें, प्रिंट आपके पास अभी निकलेगा. अब यही जो दो दो तीन चीजें हैं ये मैं आपको जब यहाँ पे प्रॉपर्टी बार बताऊंगा उसके तरीके से मैं आपको कन्फर्म करूंगा. अब आप इसको ओके कर दे डियर स्टूडेंट्स. मैंने इसको ओके कर दिया लेकिन यहाँ पे देखिए स्टिल जीरो है. लेकिन आप जैसे ही ट्रैक करते हो आपके पास यहाँ पर एक्सपी अकेडमी भी लिखा हुआ आ जाता है. मीन्स मेरे पास एक और लेयर्स बन चुकी है. अब अगर आप कोई शेप ड्रॉ कर देते हो, मिसाल के तौर पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये मुझको लेयर टू के अंदर, यानी कि एक्सपी अकेडमी के नाम से जो मैंने लेयर बनाई थी उसके अंदर मैंने इसको ड्रॉ करना था. अब आप क्या करेंगे, इसके लिए आपको इसी के अंदर जाना है और एक्सपी अकेडमी के अंदर आप क्लिक कर देते हो. तो देखें अब फिर भी जब आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर इसकी लेयर का नाम वही जीरो है. ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए है डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी चीज़ को किसी लेयर में कन्वर्ट करते हैं उसको सिलेक्ट करना मस्ट होता है. देखें मैं इस बॉक्स को लेयर एक्सपी अकेडमी के अंदर डालना चाहता हूँ. मैंने इसको क्लिक किया, वापस मैं इधर आ गया हूँ यहाँ पे और एक्सपी अकेडमी के ऊपर क्लिक कर देता हूँ. आप स्केप कर दें यहाँ पे से. देखें अब आपके पास ये जो है कलर कौन सा हो चुका है, ब्लू वन. ब्लू वन कौन सा कलर था, एक्सपी अकेडमी का था. इस तरह जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने इसको इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे जीरो लेयर्स लिखा हुआ आ जाता है. लेकिन जब आप मल्टी लेयर को सिलेक्शन कर देते हो, देखिए जैसे दोनों लेयर्स हैं तो यहाँ पर किसी लेयर का नाम लिखा हुआ नहीं आएगा आपके पास. ठीक है,
स्किप कर दें। अब जबकि यहां पर एक्टिव क्या है, एक्सपी अकेडमी लेयर, तो जैसे मैं यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट लगाऊंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसी लेयर के अंदर बनेगा और उसी कलर में बनेगा जो कलर आपने डिफाइन किया हुआ था। देखें यहां पे मेरे पास उसी कलर्स में ये बन गया है यहां पे। तो आई एक और लेयर बना लेते हैं, एल ए, इस मतलब मैंने अपने कीबोर्ड से एंटर किया और मैं न्यू के ऊपर चला जाता हूं। अब मैं सिर्फ बना लेता हूं रेड नाम की क्लियर बना लेता हूं, मैंने इसको रेड नाम दे दिया यहां पे, और इसका डेफिनेटली कलर भी जो है वो मैं रेड ही रखना चाहूंगा। I want to red color. Okay, और ओके कर दें इसे। अब आपके पास देखें यहां पर तीन चार लेयर्स आ चुकी हैं। अब मैं कोई शेप जो है वो मैं रेड के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहा हूं, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब देखिए ब्लू के अंदर है, सिलेक्शन दे दें, एक्सप्लिकेट भी लिखा हुआ है, तो आप इसको रेड का नाम दे सकते हैं। तो आपके पास ये रेड के नाम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये चाह रहे हो जो भी चीज ड्रॉ हो वो रेड के अंदर ही हो, तो आप इधर जाएं, देखिए आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड नहीं है, आप इधर जाएं और रेड को क्लिक कर दें। अब आप जो भी शेप इधर ड्रॉ करोगे वो आपके पास रेड के अंदर ही बनेंगे, जो भी आप लाइन लगाओगे, जो भी आप मैप बनाओगे वो आपके पास रेड के अंदर ही बनता जाएगा। अब इसका फायदा क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, बाज़ुकात आप कहते हो आपको रेड लाइन नहीं चाहिए, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। जैसे मैं ऑफ के ऊपर क्लिक कर दूंगा, अब जितनी भी रेड लेयर्स वाली आपके पास ऑप्शंस थी, आपके पास ऑब्जेक्ट्स थे, वो तमाम के तमाम बंद हो चुके हैं। अब क्या कहता है, द करंट लेयर इज टर्न ऑफ, ओके कर दें। अब यानी कि जो एक्टिव लेयर है वो ऑफ हो चुकी है। अब आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो देखें ये क्या ऑब्जेक्ट मेरे पास ड्रॉ नहीं हो रहा, मैं यहाँ पे लाइन के ऊपर गया हूँ, मैं इसे क्लिक करता हूँ, ये देखें लाइन क्लिक होती है गायब हो जाती है, लाइन मेरे पास क्लिक होती है गायब हो जाती है, क्लिक होकर गायब हो जाती है, क्लिक होकर गायब हो जाती है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने लेयर को ऑफ किया हुआ है। जब आपके पास आपकी लेयर ऑफ होगी तो फिर आपको आपके ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको वापस क्लिक कर दूँ तो देखा आपकी ऑन हो चुकी है, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट मैंने जो लगाए थे वो मेरे पास से ड्रॉ हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह से अगर आप लेयर्स को लॉक भी कर सकते हो, अब देखिए मैंने दोनों लेयर्स को लॉक कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ सिलेक्शन दे दी है, ये मैंने तमाम कुछ चीज़ें सिलेक्शन की हैं, याद रखिएगा यहाँ पर मैंने वाइट लाइन सिलेक्शन दी है, मैंने रेड लाइन सिलेक्शन में की है और मैंने ब्लू सिलेक्शन भी किया है, लेकिन मेरे पास जो लॉक हैं वो रेड और ब्लू हैं। तो अब मैं आप इधर आकर जैसे डिलीट को प्रेस कर देता हूँ तो देखें डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ, तमाम चीज़ें डिलीट नहीं हुई मां सिवाय उस ऑब्जेक्ट के जो लेयर वन के अंदर था, यानी कि जीरो के अंदर जो चीज़ें थी वो डिलीट हो चुकी हैं, बाकी को मैंने लॉक किया हुआ है। लॉक से ये मुराद होती है जब आप किसी चीज़ को लॉक कर देते हो उसके ऊपर आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो। ये देखें ये आपके पास ये है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ यहाँ से तो मैं इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा, क्यों, मैंने इसको लॉक की ऑप्शन लगाई हुई है। तो जिस चीज़ की आप लॉक के ऑप्शन को छोड़ दोगे तो वो आपके सामने निकल कर आ जाती है। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेयर्स का यूज़ है, आप इसके अंदर लॉक कर सकते हो, आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हो और किसी भी चीज़ को एक्टिव कर सकते हो उस लेयर्स के अंदर। तो अगर आप तमाम लेयर्स को ऑफ करना चाहते हो वन टू, तो अब जितना भी आपने काम किया हुआ था रेड लेयर्स के अंदर वो तमाम का तमाम येलो और ब्लू लेयर्स के अंदर, यानी कि एक्सपी अकेडमी की लेयर के अंदर और रेड लेयर के अंदर जितना भी आपने काम किया हुआ था वो तमाम का तमाम छुप चुका है। बाकी जो चीज़ें हैं अगर आप वाइट लेयर के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब देखें यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट लिखाओगे वो आपको नजर आएगा, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर एक्टिव लेयर जो है वो रेड है जो कि आपके पास ऑफ है, अब आप इसके ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट लगाओगे तो आपको नजर नहीं आएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसको आपने ऑफ किया हुआ है, तो जब आप इसको ऑन कर दोगे तो फिर ये आपको नजर आएगा। अब यहाँ डियर स्टूडेंट्स एक और प्रॉब्लम जो है, एल ए एंटर करें कीबोर्ड से, अगर आप रेड लेयर को डिलीट करना चाहते हो तो कैसे करेंगे, आपने सिलेक्शन दी यहां से इससे मेक करते हैं, इधर से डिलीट की जाती है, इधर से एक्टिव, एक्टिव यानी कि जिसके ऊपर आप काम कर रहे होते हो, मैं कहता हूं मुझे इसको डिलीट करना है, जैसे मैं इधर गया तो कहता है आपकी जो सिलेक्टेड लेयर है वो डिलीट नहीं हो सकती है क्योंकि उसके अंदर फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपने डिलीट करना आप करेंगे तो फिर आपके पास ये डिलीट होगा, यानी कि शो ये होता है इससे। आपको क्या करना है, रेड लेयर के अंदर जितने भी आपके पास ऑब्जेक्ट थे उनको आपको डिलीट करना पड़ेगा पहले, अगर आप लेयर को डिलीट करना चाह रहे हो। तो मैं ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर देता हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट्स तमाम डिलीट कर दिए हैं, वापस में इधर गया या एल एंटर कर दें आप या इधर आप क्लिक कर दें मैनेजमेंट के ऊपर, और मैं इसको जैसे क्लिक डिलीट कर देता हूं, अब देखें अब भी आपके पास वो डिलीट नहीं कर रहा, क्यों, अब आप किसी और को एक्टिव करें, मैंने इसको एक्टिव किया इधर आया मैंने डिलीट कर दिया, अब आप इसको
अप्लाई करें तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपके पास पहले आपने क्या करना था, उसे आपने उसको पहले एक्टिव से डिसेक्टिव कर देना है, उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट है उनको डिलीट करने के बाद फिर आप उसको ओके कर देंगे, अप्लाई कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा लेयर का लेसन, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना मस्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ आएगा। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एनमेक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके एड्रेस के मुताबिक, आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक्सपी अकेडमी की तैयार करदा CDs या DVDs परचेज करना चाहते हैं, DVDs से मेरा AutoCAD A to Z, उसके अंदर हमने आपको बनाकर वीडियोस रखी हुई हैं, और CD से मेरा क्या है, मैप कलेक्शन, जिसके अंदर हमारे पास मोर देन 200 मैप्स कलेक्शन मौजूद हैं जो आप प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। तो आप हमें xpacademy@ymail पे कॉन्टेक्ट करें या हमें कॉल कर सकते हैं 0343-901-7779 पे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में फिर हाजिर होते हैं। उस तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।